मंडी जिले का राज्य स्तरीय सुकेत देवता मेले का समापन समारोह सवालों के घेरे में आ गया है। जहां एक ओर सुकेत रियासत का प्राचीन देव समागम अपनी भव्यता के 100 वर्ष इस बार पूरा कर चुका है, वहीं दूसरी ओर मंडी जनपद के आराध्य बड़ा देव कमरूनाग पहली बार रुष्ट होने के कारण शोभा यात्रा में शामिल नहीं हुए। राज्य स्तरीय सुकेत मेला के समापन अवसर पर महामाया मंदिर से लेकर जवाहर पार्क तक भले ही भव्य जलेब निकाली गई, लेकिन सदियों पुरानी परंपरा के अनुसार शाही जलेब में महामाया की पालकी के पीछे कमरूनाग स्थान नहीं मिलने पर रुष्ट होकर मेला अकेला ही स्थल पहुंच गए। आलम ये रहा कि इस प्रकार परंपरा टूटने से व्यवस्था भी तितर बितर हो गई और प्रशासन के ढुलमुल रवैये तथा लापरवाही से आराध्य बड़ा देव कमरूनाग रुष्ट हो गए। देव कमरूनाग के अनुयायियों में प्रशासन के इस तरह के अनदेखी के चलते गहरा रोष व्याप्त है। आपको बता दें कि मंडी जिला के 5 दिवसीय राज्य स्तरीय सुकेत देवता मेले का गुरुवार को समापन हो गया। इस मौके पर प्रदेश सरकार के उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इसी को लेकर दूनी चंद ठाकुर सचिव देव श्री बड़ा देव कमरूनाग कमेटी के क्या कुछ कहते हैं वो आप सुनो। सर, जिले में शामिल ना होने का एक मुख्य कारण रहा, शायद इतिहास में जब से ये मेले लगे हुए हैं उसमें उसके इतिहास में लगभग आज ये पहली बार ये हुआ कि देव कमरूनाग को उचित मान सम्मान नहीं दिया गया। जैसे कि महामाया माताओं की जो आगे पालकी चलती थी, उसके बाद देव श्री कमरूनाग जी का रथ चलता था, उसके बाद महानाग जी चलते थे, लेकिन आज ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। देव श्री कमरूनाग जी सबसे पीछे चले थे, इसलिए हम जिले में शामिल नहीं हुई। उचित मान सम्मान ना मिलने के कारण ये शायद प्रशासन की गलती रही होगी या सरकार की गलती रही होगी या किसी प्रबंधन की गलती रही होगी, इस कारण हम जिले में शामिल नहीं हुए। प्रशासन की तरफ से हमें जो महामाया में जो छत्र दी थी वो हमें मिली, उसके लिए हम कोई इनकार नहीं कर सकते, लेकिन जो राज परिवार द्वारा जो छत्र थी उसे लेने हम नहीं पहुंच पाए, क्योंकि ये जलेब में इतनी भीड़ भाड़ थी कि हमें खुद मतलब बचना मुश्किल हो गया था। इसलिए हम जलेब से अतिरिक्त दिशा में हम निकले और हम राज परिवार की ओर से जो छत्र दी जाती उसे नहीं ले सके।